सालमन फिश। सालमन फिश के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? फिश बनाने के लिए हमें 1 किलो फिश चाहिए होगी, 1 टीस्पून फुल नमक, 1 टीस्पून फुल काली मिर्च, 2 टेबलस्पून फुल ऑलिव ऑयल और आधा लेमन। 1 किलो फिश है, ये फ्रेश फिश लेनी है आपने, फ्रीज नहीं लेनी, वो थोड़ी खुश्क होती है। ये लेके आप धो लें बस पानी से हल्का सा, इसको ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिरका नहीं लगाना, लेमो कोई चीज़ नहीं लगाई इसको मैंने, बस सादा पानी से धो लिया। अब हम करेंगे इसको मैरिनेट और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखनी, मैक्सिमम आधा घंटा। अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो जूसेस जो होते हैं उसके वो सारे निकल जाएंगे और मछली का वो जायका नहीं मिलेगा आपको जो आपको चाहिए होगा। तो अभी मैं इसको मैरिनेट करता हूँ। साल्ट चला गया, नमक मिर्च आप कमी बेशी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर ज़्यादा आपने इसको स्पाइसी बनाना हो तो कोई भी आप फिश मसाला डाल सकते हैं बाज़ार से लेके, अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं या कुछ भी, लेकिन असल जो रिसेप्ट है इसकी वो यही है, काली मिर्च, नमक और ओलिव ऑयल। लेमन जूस जी नाज़रीन, टाइम हमारा आधा घंटा तकरीबन हो चला है। तो मैरिनेट करने के बाद मैंने एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना, मैंने इसके ऊपर खुश्क धनिया थोड़ा सा डाला था और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, ताकि थोड़ा और स्पाइसी हो जाए। अभी मैं इसको बेक करने लगा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप चाहें तो बेक कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के या सरसों का तेल डाल के आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं जी। अब हम इसको बेक करेंगे। मैंने साथ ब्रोकली रखी है और पापरिका रख दिए, आप चाहें तो पोटैटो वगैरह या और कोई सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं साथ। अब हम इसको बेक करते हैं 200 पे 20 से 25 मिनट के। जी अब हम बनाएंगे सालमन सॉस। सालमन सॉस के लिए हमें चाहिए होगा 100 ग्राम हर्ब बटर। हर्ब बटर अगर आपके पास ना हो तो आप 100 ग्राम नॉर्मल बटर ले लें और उसमें 1 चम्मच ग्रीन चटनी, ये देखें घर में आम बनी हुई होती है, ग्रीन चटनी ले लें, वो इसमें मिक्स करें, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डालें और वो आपका हर्ब बटर बन जाएगा। और 1 लेमन उसका जूस चाहिए होगा। लेमन जूस में अब हम बटर ऐड करेंगे, हेयर बटर, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आप वैसे भी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड पे लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। किलो आलू ले लें आप, आलू छील के उबाल लें पहले और उसके बाद उनको छील लें मैंने, और उसके बाद आप उसी पैन में डाल के अब इनमें मैं फिर बटर डालूँगा, ये नॉर्मल बटर है, अनसाल्टेड बटर।
एक चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, और साथ में जाएगा और थाइम थोड़ा सा, बिल्कुल। बस ये खुशबू के लिए, और कोई चीज़ नहीं डालनी इसमें। उबले हुए छीले हुए आलू, छोटे छोटे आलू लें आप, उनको उबाल लें। और 5-10 मिनट तकरीबन इनको ऐसे, आलू हमारे तैयार हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, इनको अभी हम साइड पे रख देते हैं। जी नाज़रीन, फिश हमारी तैयार हो चुकी है। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं टाइमिंग। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएगी, इसका मज़ा नहीं रहेगा, थोड़ी सी जूसी रहनी चाहिए, इसलिए ये अब मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जी सालमन फिश हमारी तैयार है, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, हम इसको ज़बरदस्त, आप चाहें तो केचप मायो के साथ भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप ये लेमन बटर सॉस आप वो बना लें। और साथ में जी आप भी इसको बनाएं, चेक करें, ट्राई करें और मज़े उड़ाएं। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।